अभी मैंने जब गाड़ी ली ये कितने की कीमत थी इसकी, तो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। और लेकिन एवरेज टाटा और लेलैंड से ज्यादा है ना गाइस, आइशर की गाड़ी देती है एवरेज। इस पैर ही काम करना और ना किसी के भरोसे आ जाना। अगर आप बोल दे हाँ भाई मैं तेरे को काम दूंगा, तो पक्के तौर पर ही गाड़ी लेना। सो हे गाइस, वेल्कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रक हीरो। सो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको अपनी गाड़ी के रिव्यू में सिर्फ बार बार वाला बताया था अपना बॉडी में जो जो वर्क था। तो इस वीडियो में अपन स्टार्टिंग से ही मैं आपको कैबिन के अंदर लेके चलता हूँ, गाड़ी में जो भी है इंजन के बारे और गाड़ी कितने में पड़ी है, ऑन रोड कितने में इसका प्राइस होगा वो सारी डिटेल में बताऊंगा, और गाड़ी क्या एवरेज दे रही है सब कुछ इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप करे, क्योंकि इस वीडियो से जो इस काम में नए आने वाले हैं उनके लिए काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच, बने रहे वीडियो में मेरे साथ। चलो चलते गाड़ी की कैबिन के अंदर, कैबिन के अंदर चलते हैं। सो कैबिन में के अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो सीट देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ पर कंपनी की सीट आती है, उसको हमने निकाल के ये बॉडी वाले ने हमारे को एक्स्ट्रा सीट बना के दी है। ये देख रहे हैं आप 5 इंच इसमें गद्दा डाल के और ये डाल के दी है, और सामने में इसमें हमने स्पीकर एक्स्ट्रा से लगाए हैं और यहाँ एक चार्जर लगवाया है ताकि इसे चार्ज कर सके हम, और कई बार और कामों में भी यूज आ सके। ये हमको सीट बॉडी वाले ने बना के दी हुई है। तो चलो अब मैं इसका आपको इंटीरियर दिखाता हूँ अंदर से। एक बार ये चेक करो आप, ये बेड बना है। कई लोग बोलते हैं कि भी दो बंदों को परेशानी तो नहीं होती है, देख लो गाइस ये है इसका अंदर से व्यू। दो बंदों को सोने में इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है, दो बंदे आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दो बंदों के लिए, है ना। अच्छा उसके बाद, अच्छा अब आप डैशबोर्ड देख लो गाड़ी का। डैशबोर्ड में कनेक्टर साइड में एक यहाँ देखो पकड़ने के लिए मिल जाता है बंदे को, और ताकि मैं इधर साइड यहाँ से पकड़ने को हो गया ताकि में, और साथ में इसका मैनुअल है इस सारा शीशा अप डाउन करने के लिए, और एक खाना गाइज यहाँ मिल जाता है इसमें सामान रखने के लिए। एक खाना यहाँ दिया है कंपनी ने और एक खाना इधर दिया है एक्स्ट्रा, इसमें भी कुछ सामान रख सकते हैं, और एक ये इसमें भी सामान रखने को दिया, मतलब ये तीन खाने हैं। और उसके बाद आ जाओ इधर की तरफ, इधर की तरफ ये जो डेक देख रहे हैं ना आप गाइज, यहाँ ये टाटा का डेक, ये दरअसल होता है यहाँ पर होता है। मैंने इसको कटवा के यहाँ पर 9 इंच LED फिट करवाई है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो गाड़ी है ये नॉन एसी है, इसमें एसी वेरिएंट भी आते हैं लेकिन मैंने एसी वेरिएंट नहीं लिया, लेना तो था बट उस टाइम मार्केट में है ही नहीं था अवेलेबल। मैं काफ़ी रिसर्च की, एक डेढ़ महीना मैंने वेट किया बट मेरे को नहीं मिला एसी वेरिएंट, फिर मैंने हार के यही नॉन एसी वेरिएंट ही ले लिया। तो इसमें हमारे को सिर्फ खाली ब्लोर ही मिलता है, बस यहाँ से हवा छोड़ देता है, बस ये खाली यही है, इसमें और कुछ नहीं है डैशबोर्ड में। और बाकी ये आ गया अपना स्टेयरिंग व्हील, और इस साइड में ये टेलीस्कोपिक है गाइस, इसको यहाँ से हम आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये टेलीस्कोपिंग गाइस ऐसे ही है, इसको हम आगे भी ले जा सकते हैं, ऐसे पीछे भी लेके आ सकते हैं, ऊपर नीचे अपने हिसाब से आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने तो गाइस यहाँ पर उतना एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इधर की तरफ देखो भाई, ये अपना GPS का है लगा हुआ यहाँ, ऑलमोस्ट ये सब गाड़ियों में आ रहा है, GPS से कनेक्टेड रहता है ये जो हेल्प वाला बटन है। सो और उसके बाद इधर राइट साइड में देखेंगे आप, ये इसका पार्किंग बीम, और इस ऐसे दबाएंगे तो हेडलाइट जल जाएगी, ये लाइटों का है गाइस, और यहाँ से हम इसको लाइट को अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने एक्स्ट्रा से लगवाया है गाइस स्विच, ये जो स्विच देख रहे हैं आप ये एक्स्ट्रा से लगवाया है, ये हॉर्न का स्विच लगा है। और इस साइड में देख रहे हैं आप, इस साइड में ये रहा अपना हजार्ड लैंप का है, ये यहाँ से इंडिकेटर चारों ऑन हो जाएंगे। अच्छा और उसके बाद आते हैं हम इस साइड में देख रहे हैं आप, इस गाड़ी में है दो मोड, एक है लाइट मोड और हैवी मोड। सो ज़्यादातर जैसे गाड़ी प्लेन रूट में चलती है तो इस गाड़ी को ज़्यादातर लाइट मोड में ही चलाना चाहिए, इससे क्या फ्यूल की कंजप्शन काफ़ी कम हो जाती है। और कई लोग क्या करते हैं हैवी में ही चलते हैं, कई भाई को अभी तक नहीं पता है कि भाई ये हैवी और लाइट क्या दिया है। अगर कई लोग मैंने देखे, क्योंकि मुझसे दो तीन ड्राइवर ऐसे मिले हैं, उन्होंने बताया हमारी गाड़ी एवरेज ही नहीं देती है। सो गाइस एवरेज कहाँ से देगी, सो इसको हमेशा क्या लाइट में ही चलाना है, लाइट में क्या है आपकी गाड़ी एवरेज भी देगी और फ्यूल भी बचेगा।
और अगर आप हाँ इसकी जरूरत वहां पड़ती है लगाने की, जैसे हम घाट एरिया में चल रहे हैं या वजन है गाड़ी में ज्यादा, तब लगा के इसको फायदा है। वहाँ क्या है, इसको बटन को लगा के जैसे ही हैवी मोड दबाएंगे आप, गाड़ी एकदम से खींचने लग जाएगी, लेकिन तेल की एवरेज उसमें उतनी नहीं आएगी जहां तक मेरे को पता। और मैं भी गैस इसको लाइट में ही चलाता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्लस्टर मीटर ऑन करके, ये हमारी ऑन होगी। अब मैं अपनी गाड़ी की बात बताता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरी गाड़ी कितना किलोमीटर चल गई है। ये चेक करो, 68,077.9 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल गई हुई है, और एवरेज इस टाइम शो कर रही है 4.2 की एवरेज 372 किलोमीटर में। ये हिमाचल हिमाचल में कर रही है शो, और देखो ये हिमाचल की एवरेज है। और मीटर ऐसा कुछ मिल जाता है, देखो अभी यहाँ पर हैवी मोड है ना, और इधर भी देखो हैवी लगा है। अब जैसे मैं इसको लाइट प्रेस करूँगा, इधर से लाइट हो गया, और यहाँ देखो अब मीटर में भी एकदम से लाइट हो जाएगा बस। और ये जो सुइया है यहाँ पर, ये हमारे प्रेशर बार की है, और ये DEF है, यूरिया की है, ठीक है। और ये अपना RPM का हो गया, ये टेम्परेचर है, और ये ऑयल कितना है गाड़ी में डीजल का है, और ये स्पीड का हो गया, ठीक है गाइस। ये समझ गए होंगे आप सारा। और इस गाड़ी की हैंड ब्रेक यहाँ पर दी है, सो मैंने सीट कटवा के इसके नीचे करवाई हैंड ब्रेक, यहाँ से देख नहीं पाएगा गाइस, अभी आपको इसके अंदर है। अच्छा, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इधर कैबिन में बिल्कुल इसका साफ ही है। पीछे एक शीशा दिया है, ये खुल जाता है गाइस, ये चेक करो, ये ऐसे खुल जाता है, लेकिन जो AC गाड़ी है उसमें ये खुलता नहीं है। और ये कंपनी की तरफ से लाइट आई है, ठीक है, ये तीन लाइट है, ये डोर के साथ और उसके साथ ओपन होते ही, डोर ओपन होते ही ऑन हो जाती है, और ये मैंने एक्स्ट्रा से लगवाई है लाइट, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ दो खाने मिल जाते हैं आपको ऊपर, इसमें वो रखने के लिए सामान रख सकते हैं आप यहाँ, जैसे मैंने देख रहे हो अपने परमिट बैग इधर रखा हुआ है। और बस यही कुछ था गाइज इसके अंदर से, और ये इसका लीवर है। अच्छा, अब गाइज इसके इंजन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इसका जो इंजन है अल्ट्रा का, वो 5 लीटर डीजल इंजन 177 हॉर्स पावर का इंजन है, जो कि 700 Nm टॉर्क पैदा करता है 2500 के RPM पे। जो इसी गाड़ी में, जैसे ये T19 है, एक T18 भी आती है, T16 भी आती है, उन गाड़ी के बारे में गाइज मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे को इसी के बारे में नॉलेज है, तो मैं इसीलिए आपको इसका बता रहा हूँ। और इस गाड़ी को मेरे पास हो चुका है ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए हैं, अगले मई में इस गाड़ी को पूरा 1 साल हो जाएगा। सो मैं आपको बताता हूँ भी 1 साल में इस गाड़ी ने क्या क्या नुकसान किया है मेरे पास। सो इस गाड़ी ने सबसे पहले तो, जब से गाड़ी आई थी इसके ना गियर बहुत टाइट पड़ते थे, मुझे लगा जैसे नई नई गाड़ी आई है कि भी अभी इसी करके पड़ रहे होंगे, तो मैंने चलाई गया गाड़ी को। सो फिर कम से कम भी ये 25,000-30,000 किलोमीटर चलने के बाद फिर 2 नंबर गियर में आवाज़ आने लग गई इसके। सो उसके बाद मैं इसको जेंसी ले गया, जेंसी ले जाते ही फिर एक प्रॉब्लम आपको और बता देता हूँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तो ये गियर की प्रॉब्लम है, और उसके बाद सब गाड़ियों में अल्ट्रा में ये प्रॉब्लम है, जब सेल्फ लेते हैं तो आवाज करती है, सेल्फ नहीं लेती, गर्र करके आवाज आती है, सेल्फ नहीं लेती। खाली मेरी नहीं है, सब की अल्ट्रा है। इसमें क्या है ना, कड़ा चेंज होता है, कड़ा चेंज होता है, और ये प्रॉब्लम होगी, गियर की प्रॉब्लम होगी। और इस गाड़ी को ओवर रेस नहीं करना चाहिए, कोई भी गाड़ी है नई जो भी 26 आ रही है ना, अगर इनको ओवर रेस करेंगे तो इसका टर्बो तेल उठा देगा। कई गाड़ियों के टर्बो पड़ चुके हैं नई गाड़ियों के, ये भी नुकसान है गाइस। सो मेरी गाड़ी ने ऐसा कोई नुकसान तो नहीं किया, लेकिन मेरी गाड़ी में देखो एक गियर की प्रॉब्लम आई थी, 2 नंबर 3 नंबर वाज कर रहा था, बैक गियर वाज कर रहा था, तो गियर भी खुल चुका है मेरी गाड़ी का, उसमें क्या मेरे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर गियर के कड़े पड़े हैं। और एक मेरा EGR कूलर फट गया था गाइस, EGR कूलर पूरा इनोवा डाला है मेरा, कम से कम भी 40,000-45,000 का सेट है। और एक मैंने क्लच प्लेट भी डलवा दी है, क्योंकि मेरी क्लच प्लेट दागी हो गई थी थोड़ी सी, मैं आपको दिखाऊंगा वो, साथ में ऐड कर दूंगा फोटो। कड़ा डलवाने के लिए मैंने ये खुलाया हुआ था, जैसे गियर उतारा था, कड़ा डालना था हमने, वो सेल्फ नहीं लेती थी ना उस करके, तो जब देखा हमने क्लच प्लेट और प्लेस्टर प्लेट, क्लच प्लेट में हल्की सी इतनी टेक्निकल फॉल्ट था, सो क्लच प्लेट भी मैंने इसकी बदल दी हुई है। अब आप 1 साल में देख लो भी, गाड़ी की क्लच प्लेट भी डाल दी हुई है,
और गेयर भी खुल गया है, टर्बो ने भी थोड़ा तेल उठाया था, ईजीआर कूलर भी फट गया। इतने सारे नुकसान हुए हैं, मैं ये वीडियो में नहीं बताता हूँ गाइज, आपको आप भी सोचेंगे, इसीलिए मैं आज आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ भी ये नुकसान हो गए हुए गाड़ी में। इंजन के बारे भी आपको मैंने बता दिया, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया हुआ होगा। अच्छा अब मैं आपको लास्ट में ये भी बता देता हूँ। अच्छा कई भाई मुझसे पूछते हैं भी इस गाड़ी की एवरेज भी आती है, सो एवरेज मैं आपको बता देता हूँ गाइज, जब हम इस गाड़ी को 60 की स्पीड में चलाते हैं, 60 की स्पीड में जैसे प्लेन में अपन चलते हैं, 12 टन माल है तो गाड़ी आराम से 6, 6.5 की 7 तक की एवरेज निकाल देती है। वो रोड पर देख, रोड के हिसाब से होता है, अगर रोड मान लो टापो टाप रोड है, मान लो गियर आपका नहीं निकल रहा है टॉप गियर, तो गाड़ी 6.5-7 की एवरेज भी आराम से निकाल देती है। अगर बीच में सिंगल रोड है, ब्रेकर वाला है, गाँव वाला रोड है, तब भी गाड़ी 6 की एवरेज तो दे ही देती है। अब हम चलते हैं गाइस सब्जी में, सब्जी में गाड़ी रहती है 80-90 प्लस की स्पीड में, तो गाड़ी 4.5-5 की एवरेज देती है गाइस अपनी सब्जी में। और उसके बाद जैसे हम हिमाचल में आते हैं, अपन पहाड़ में चलते हैं, पहाड़ में अंडरलोड पे ये 2.5-3 की एवरेज देती है, अगर ओवरलोड डाल दे तो 2-2.5 के बीच में ये इसकी एवरेज है गाड़ी की। सो इससे समझ गए होंगे आप एवरेज के बारे भी। और अब लास्ट में मैं आपको, आपका काफी सवाल आया कि भाई ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो गाइस सबसे पहले तो देखो, जो इस काम में अभी नए हैं या कोई सोच रहे हैं इस काम में आने की, सबसे पहले तो मैं आपको देखो ये बता दूं, इस टाइम देखो मार्केट में काम है, नहीं भी है, है भी है, क्योंकि सबसे पहले आप अपना एरिया देखो, अगर आपके एरिया में आपके पास काम है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री है या कोई परमानेंट काम है, तो आप गाड़ी आंख बंद करके ले सकते हो। अब सपोज दैट जैसे हमारे हिमाचल में गाइस हमारे पास यूनियन है, यूनियन के होते होते हमारा सेब होता है, तो चलो अगर हम गाड़ी लेंगे हमारे पास तो फिर भी काम है। अब कई भाइयों के पास तो ऐसा कोई सोर्स होगा नहीं, फिर गाड़ी लेंगे, आज के टाइम में गाड़ी लेंगे गाइस 60,000-65,000 में किस्त बन जाती है अगर आप फुल फाइनेंस गाड़ी लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा मैंने कितने में फाइनेंस गाड़ी की थी, क्या था वो भी आपको लास्ट लास्ट में बताऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है गाइस, अगर आप नए आ रहे हो इस लाइन में, अगर आपके पास काम है आप लो गाड़ी, हाँ अगर आपके पास काम नहीं है तो आप उसके लिए थोड़ी रिसर्च करो, अपने इलाके में पूछो जो गाड़ी है जिनके पास ऑलरेडी पहले, उनसे सलाह लो, पूछो कि भाई गाड़ी लेनी चाहिए वैसे नहीं लेनी चाहिए। मैं नहीं आपको मना करूंगा, मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगा कि भाई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, भी गाड़ी में काम नहीं है, गाड़ी में काम है। अगर आप खुद चलाना चाहते हो गाड़ी को, खुद की लेंगे तो गाड़ी में काम है गाइज, अगर आप ले सकते हो, खुद मेहनत कर सकते हो, घर छोड़ सकते हो, बाहर रह सकते हो, तो गाड़ी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इस गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी 100 में से 10 पीस गए जैसे आते ही आते हैं, जिसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है। अभी ये तो टेक्निकल फॉल्ट है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अल्ट्रा गाड़ी इस टाइम बेस्ट चल रही है, एक नंबर पर चल रही है गाड़ी इस टाइम। आप आयशर की 3019 ले लो, अशोक लेलैंड ले लो, या टाटा की अल्ट्रा ले लो T19, इन तीनों गाड़ी में से कोई भी ले लो, सारी गाड़ियां गाइस बेस्ट है, एवरेज भी सारी गाड़ियां देती है, लेकिन एवरेज टाटा और लेलैंड से ज्यादा है ना गाइस, आयशर की देती है एवरेज इस मामले में। आयशर टॉप पे चल रही है क्योंकि उस गाड़ी का जो टॉर्क है वो इससे थोड़ा कम है, इसीलिए वो एवरेज थोड़ी ज्यादा देती है। और उसके साथ में ही मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये भी आप समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास काम है ले लो, अगर नहीं है काम थोड़ा रिसर्च करो, ढूंढो, ट्रांसपोर्टरों से लिंक बनाओ, इधर उधर पूरे में सर्च करो, उसके बाद ही गाड़ी लो, तब तक गाड़ी में हाथ नहीं डालना गाइस, क्योंकि पक्के पैर ही काम करना और ना किसी के भरोसे आ जाना। अगर आप बोल देंगे हाँ भाई मैं तेरे को काम दूंगा, कोई पक्के तौर पर ही गाड़ी लेना, उसके बाद काम करना, ठीक है। और लास्ट में मैं गाइस आपको अब ये बताना चाहता हूँ कि भी मैंने जब गाड़ी ली ये कितने की कीमत थी इसकी, सो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ और कौन सी कंपनी से मैंने फाइनेंस किया है। सो गाइस जब मैंने गाड़ी ली थी ये, उस टाइम गाड़ी हमारे को पड़ी थी, सारा कुछ छूट वगैरह मिला के ये गाड़ी मुझको पड़ी थी 22,50,000 में, खाली चेचिस पड़ी थी, ठीक है। इंश्योरेंस उसके बाद मैंने अपना कराया था, मेरी इंश्योरेंस हुई थी गाइस 77,000 प्लस की इंश्योरेंस हुई थी। अब आप खुद जोड़ देना भी कितना खर्चा हुआ। और उसके बाद जेब से मेरे लगे 4.5-5 लाख रुपए, जिसमें मैंने आपको 3 लाख बॉडी में गिना दिया था, 1.5 लाख रुपए मेरा कागज में गया, 50,000 मेरे को गाड़ी के बैकअप के लिए। सो ये समझ गए होंगे आप, 22.5 लाख रुपए की चर्चिस, 77,000+ की इंश्योरेंस और बाकी 4.5-5 लाख रुपया जेब से लगा था। सो मोटा मोटा ये हो जाता है गाइस 27-28 लाख के बीच में मेरा घर से लगा था। और मेरा, मैंने सिर्फ इस गाड़ी को फुल फाइनेंस करवाया है, जो कि मैंने चोला मंडलम से लोन लिया हुआ है, चोला मंडलम से फाइनेंस है मेरी गाड़ी। और
इसमें ब्याज मेरे को 9 से 10 के बीच में ब्याज लगा है गाइस, जब आप खुद जोड़ सकते हो। अपने पास से मैंने कुछ भी नहीं लगाया, गाड़ी फुल फाइनेंस करवाई है, 22.5 लाख का मैंने फाइनेंस लिया है और बाकी जो 5 लाख है बॉडी और कागज के लिए वो मैंने अपने पास से लगाए हुए हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि भी आपको जो जो मैंने बताया समझ गए होंगे, आप जितने की मेरे को नॉलेज थी वो मैंने आपसे शेयर कर लिया है। हाँ, अगर कोई चीज़ छूट जाती है या रह जाती है आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में उसको कवर कर लूँगा और आपसे बता दूँगा। सो दोस्तों, ऐसे ही और अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है। और अब इस वीडियो को भी करता हूँ मैं यही एंड। सो कोई चीज़ अगर गलत बोल दी हो, जो आपको नहीं लगी हो कि भाई गलत बोल रहा है, तो वो कमेंट कर देना भाई। जितना मेरे को नॉलेज था मैंने आपसे शेयर कर लिया है। सो तब तक के लिए बाय भाई, ध्यान रखना सारे भाई अपना, और खास करके उन भाइयों के लिए जो गाड़ी लाइन में आना चाहते हैं, उन सब के लिए भी आपके लिए भाई एक काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। अगर हाँ अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।